हेलो एंड वेलकम टू एक्सक्यूज मी सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मीमेसिस क्रिटिसिज्म के बारे में। दोस्तों, मीमेसिस क्रिटिसिज्म को मीमेटिक क्रिटिसिज्म भी बोला जाता है। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल उनकी पोएटिक्स के अंदर मीमेसिस टर्म को यूज किया था। मीमेसिस का मतलब है किसी चीज का नकल करना, यानी इमिटेट करना, किसी चीज को रिप्रेजेंट करना। मिमेसिस क्रिटिसिज्म दिखाती है कि कैसे आर्टिस्ट वर्ल्ड की चीजों को इमिटेट करता है और उससे डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट, एक क्रिटिसिज्म विचार करती है कि किस तरह से राइटरों ने अपना टेक्स्ट के अंदर मेटीरियल ऑब्जेक्ट को, ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन इमोशन को प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी बात है कि ये जो राइटरों ने अपना टेक्स्ट के अंदर मेटीरियल ऑब्जेक्ट को, कैरेक्टर को, वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया है, इसमें सच्चाई कितना है? क्या राइटरों ने इन चीजों को एक्यूरेटली इमिटेट कर पाया है? दोस्तों, इन्हीं सारी चीजों को जज किया जाता है मिमेसिस क्रिटिसिज्म के अंदर। नेक्स्ट, मिमेसिस क्रिटिसिज्म शोज हाउ द लिटरेरी वर्क कन्वेज यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड टीचेस द रीडर पॉजिटिव मोरल वैल्यूज एंड मोड्स ऑफ पर्सनल कंडक्ट। तो मिमेसिस क्रिटिसिज्म दिखाती है कि कैसे राइटरों ने यूनिवर्सल ट्रूथ को, यानी प्रॉपर ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर सिचुएशन को दिखा के रीडर के अंदर मोरालिटी को, उनका ड्यूटी को जगाती है। एक क्रिटिसिज्म ये भी सिखाती है अपना पर्सनल कंडक्ट कैसे होना चाहिए, यानी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अपना बिहेवियर कैसा होना चाहिए। दोस्तों, टेक्स्ट के अंदर दो तरह का मिमेसिस यूज किया जाता है। एक है वोकल मिमेसिस, दूसरा है बिहेवियर मिमेसिस। सो व्हाट इज वोकल मिमेसिस? राइटिंग इन ए पर्टिकुलर एक्सेंट और स्पीच पैटर्न दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर द कैरेक्टर्स। तो किसी कैरेक्टर का स्पीच को भी एक्यूरेटली इमिटेट करना होगा। जैसे कि कोई रॉयल स्टैंडर्ड से बिलोंग करता है तो उसका एक स्टैंडर्ड स्पीच होगा, उसका स्पीच में दम होना चाहिए। किसी सर्वेंट का स्पीच होगा तो उससे नॉर्मल रखना होगा। कोई कैरेक्टर गांव से है तो उसका एक्सेंट जैसे गांव में बोला जाता है वैसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज बिहेवियर मिमेसिस? इन व्हिच आर कैरेक्टर्स रिस्पोंड टू सिनेरियोस इन अंडरस्टैंडेबल वेज। ओके, इधर एक ही चीज किया जाता है, प्लॉट की खातिर कैरेक्टर को सिचुएशन के हिसाब से परफॉर्मेंस देना चाहिए।